हेलो एवरी वन माइ सेल्फ डॉक्टर यतिका सारस्वतराट्रिक डेंटिस्ट आज बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यूजअली पेरेंट्स का ये मानना होता है एंड दिस इज अ मिथ ऑल्सो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो लेटर स्टेज में कराना सही रहता है बट यूज बट अगर आपको ज़रा भी बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत अपने पीरियाटिक डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए यूजली इट्स इट्स बेस्ट टाइम जब बच्चा टू टू थ्री इयर्स की एज पे हो ऐसे टाइम पे अगर अंडर डेवलपमेंट ऑफ जॉ है या फिर बच्चे का प्राइमरी टी जल्दी झड़ गया है या फिर बच्चे में कुछ हार्मफुल हैबिट्स हैं जैसे कि थम सकिंग टंग थ्रस्टिंग तो वो करेक्ट किया जा सकता है और मोस्ट अग्रेसिव प्रोसीजर्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अवॉइड किए जा सकते हैं दूसरी स्टेज जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में हो उस टाइम पे हमारे परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं इस स्टेज पे भी हम हार्मफुल हैबिट्स को करेक्ट कर सकते हैं एंड ये भी चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली टीथ अलाइं है कि नहीं अगर प्रॉपर्ली अलाइं नहीं है तो ऐसे स्टेज पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा असरदायक होता है एंड बच्चे के दांत आसानी से रिस्पॉन्स करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के लिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं थैंक यू